Hello students, myself Aishitank. I welcome you on Envira Online School. Today we will start our chapter number 5 for class 3rd subject maths. So name of our this chapter is Indian currency. So, currency means jo hum paisa ya jo rupees hum India mein use karte hain unke bare mein hum पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में कि उनको किस तरह से बोला जाता है, किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से यूज़ किया जाता है, राइट? द टाइप ऑफ मनी, जो मनी हम जो कीमत यूज़ करते हैं, यूज्ड इन अ स्पेसिफिक कंट्री इज कॉल्ड करेंसी. जो स्पेसिफिक कंट्री में जो मनी यूज़ की जाती है उसे करेंसी बोला जाता है. ऑफ द कंट्री, कंट्री की करेंसी बोला जाता है. गिवन बिलो आर करेंसीज विद देयर सिंबल्स ऑफ सम कंट्रीज. सो कुछ कंट्रीज की जो यहाँ पे करेंसी है वो दी गई है. फर्स्ट ऑफ ऑल चाइना, चाइना की जो करेंसी है वो होती है युआन. फ्रेंच यूरो. इंडिया, इंडियन रुपी. यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, जो हम मनी यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं रुपी. क्या बोलते हैं? रुपीज, 100 रुपीज, 50 रुपीज, राइट? सो वैसे ही चाइना में उसे क्या बोला जाता है? युआन. 1 युआन, 2 युआन, ओके? एंड फ्रेंच में उसे यूरो बोला जाता है. उसी करेंसी अलग होती है वहाँ की, ओके? एंड इंडिया में उसे रुपी बोला जाता है. जापान, जापान में होता है येन. नेपाल, नेपालीज रुपीज. वहाँ पे भी रुपी होता है बट वहाँ पे नेपाली रुपी होते हैं, ओके? बांग्लादेश में टक्का, ओके? दीज आर द सम कंट्रीज नेम एंड देयर करेंसी, ओके? सो हियर सब करेंसी. जस्ट लाइक हियर वी हैव रुपीज, देन हम जब रुपीज के टुकड़े करते हैं, 1 रुपीज के जब हम टुकड़े करेंगे तो वो पैसा बनता है. क्या बनता है? पैसा. उसी तरह से जो फ्रेंच है उसका सब करेंसी सेंट है. इसमें 2 करेंसीज होती है सब करेंसी चाइना में, जिया एंड फैन. जस्ट लाइक जापान में सैन, नेपाल में पैसा एंड बांग्लादेश में पोशीश, ओके? सो वी हैव टू लर्न. हमें याद रखना चाहिए कि कौन सी कंट्री की कौन सी करेंसी होती है, ओके? जस्ट लाइक चाइना यान, फ्रेंच यूरो, इंडिया इंडियन रुपी, जापान येन, नेपाल नेपालीज रुपी एंड बांग्लादेश तक. सो इस चैप्टर में हम इंडियन करेंसी के बारे में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर फर्स्ट टॉपिक इज इंडियन करेंसी कॉइंस. कॉइंस होते हैं. सो दिस इज द 5 पैसा कॉइन, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा. बट अब ये सारे जो कॉइन्स है एट प्रेजेंट यूज नहीं किए जाते. ये पुराने टाइम में यूज किए जाते थे, ओके? 50 पैसा, यस. 1 रुपी अभी भी हम यूज करते हैं. 2 रुपीज हम अभी भी यूज करते हैं. 5 रुपीज हम अभी भी यूज करते हैं. एंड 10 रुपीज जस्ट अभी थोड़े टाइम पहले ही इसे लॉन्च किया गया था और ये यूज होता है. बट जो पैसा के जो कॉइन्स है, जो पैसा है वो अब यूज नहीं होता है. हमारा जो ओल्ड टाइम था उस समय पे इंडिया के अंदर ये कॉइन्स, जो पैसे वाले जो कॉइन्स है, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा एंड 50 पैसा, ये कॉइन्स यूज किए जाते थे. 100 पैसा, जब ऐसे 50 के 2 कॉइन्स हो गए ना, 50 एंड 50, देन वी मेक 1 रुपी. उसका क्या होता है? 1 रुपी. सो 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा, ओके? सो ये जो 1 रुपी है ना, जिसकी अब शायद ही कोई वैल्यू हो करता है, बहुत कम लोग 1 रुपी की वैल्यू करते हैं. सो पुराने टाइम में 100 पैसा जब जोड़ा जाता था तब जाके क्या बनता था? 1 रुपी बनता था, ओके? सो ये तो थे क्या? कॉइन्स थे. नाउ इंडियन करेंसी नोट्स. 1 रुपी नोट, वी ऑल सी दिस. 2 रुपी नोट, ओके? एंड 5 रुपी. अभी सबसे ज्यादा हमें 5 रुपीज के नोट देखने को मिलते हैं. 2 रुपीज और 1 रुपीज के जो नोट है वो हमको बहुत कम देखने को मिलते हैं, राइट? नेक्स्ट 10 रुपी नोट. जो 10 रुपीज का जो नोट है ना, वो पहले अलग था, अब इसे क्या कर दिया गया है? चेंज कर दिया गया है. 20 रुपीज नोट को भी अब क्या किया गया है? चेंज करा गया है. ये रेड कलर का है ना, सो अब ग्रीन कलर का 20 रुपीज का नोट आ चुका है. नाउ दिस इज 50 रुपी नोट. पुराना जो 50 रुपीज का जो नोट्स था वो अलग था नोट, अब ये अलग हो चुका है. 100 रुपी नोट, ये भी चेंज हो चुका है. 200 रुपीज नोट, ये अभी थोड़े टाइम पहले ही लॉन्च किया गया था. 500 रुपी नोट, इसे भी न्यू किया गया है. एंड 2000 रुपी नोट, इसकी जगह पहले
1000 रुपी का जो नोट था वो चला करता था, उसे क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है, उसे बंद कर दिया गया है, और उसकी जगह 2000 रुपी का जो नोट है उसे थोड़े टाइम पहले ही क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। सो ये जो सारी करेंसीज है ये हमें घर में देखने को मिलती है, सारे जो नोट्स है, सारे जो कॉइन्स है वो हमने हमारे घर में कभी ना कभी देखे ही होंगे। अब ये हम पहचान सकते हैं कि ये कितने रुपए का नोट है या क्या चीज़ है। अब अगर हम जो हमारे सामने जो एक पिक्चर दिख रही है, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि कितने रुपीज़ होंगे अगर इन सबको टोटल किया जाए तो, सो सबसे पहले हम कैसे कनेक्ट करेंगे, किसे किस तरह से इसको ऐड करेंगे, क्या करेंगे, सो वो हम देखते हैं। सो सबसे पहले तो हमारे पास 2000 रुपीज़ हैं, देन हम ले लेते हैं 500 रुपीज़, देन 200 रुपीज़, इस तरह से हम इसको ऐड कर रहे हैं, देन 100, देन 50, 20 एंड 10। इन सबको ऐड करेंगे तो कितने रुपीज़ होते हैं, लेट्स चेक, 5, 2, 7 एंड 1, 8, 5, 2, 7 एंड 1, 8 एंड 2, सो दिस इज 2880 रुपीज़। हमारे पास कितने हो गए, 2880 रुपीज़। ओके, अंडरस्टैंड ना, हमने इन पैसों को क्या किया है, हमने इन रुपीज़ को क्या किया है, गिना है। ओके, सो 2880 रुपीज़ हमारे पास, हमारे को सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लेट्स सी, नोशन यूज्ड ऑफ रिप्रेजेंट रुपी एंड पैसा। अब रुपीज और पैसे को हम किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। वी यूज अ पॉइंट, हम क्या यूज करते हैं, एक पॉइंट को यूज करते हैं फॉर सेपरेटिंग। सेपरेटिंग मीन्स होता है अलग करना, सेपरेटिंग मीन्स क्या होता है, अलग करना, अलग करने के लिए रुपीज एंड पैसा, रुपीज और पैसे को अलग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पॉइंट का यूज करते हैं, एक डॉट का यूज करते हैं। द नंबर ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में जो नंबर होता है ऑफ द पॉइंट, पॉइंट के जो लेफ्ट साइड में जो नंबर होता है शोज, वो दिखाता है किसको, दिखाता है रुपीज को दिखाता है, एंड द नंबर ऑन द राइट साइड शो पैसा, जो पॉइंट के राइट साइड में जो नंबर होता है वो पैसे को दिखाता है। दस 86 रुपीज 40 पैसा इज एक्सप्रेस्ड इन फिगर्स एज 86.40। सो 86.40 हमने लिखा है, तो ये पॉइंट है, इसको सेपरेट कर दिया, रुपये को अलग करा और पैसे को अलग किया, सेपरेट किया इसने पॉइंट ने। अब इस पॉइंट के जो लेफ्ट साइड में है ये वाला 86, तो 86 क्या है यहाँ पे, रुपी है, और जो इसके राइट साइड में है मीन्स जो 40 है ये क्या है यहाँ पे, पैसा है। ओके, सो 85 पैसा इज एक्सप्रेस्ड इन द फिगर एज 0.85। अगर हमें सिर्फ पैसा दिखाना है, हमारे पास रुपी तो है ही नहीं, सो हम उसको कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे हमने पॉइंट है, तो पॉइंट के कहाँ आता है, राइट साइड में पैसा आता है, सो 85 पैसा है, तो ये 85। अब पॉइंट के इधर कुछ नहीं है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड 85 पैसा। ओके, सो हियर एंड देन नाउ हियर दिस इज इंडियन करेंसी। सो इंडियन करेंसी का जो हमारा सिंबल है वो क्या है, यहाँ पे इस तरह से ये हमारा जो सिंबल होता है ये इंडियन करेंसी का सिंबल है। जब ये आगे लगा हुआ है दैट मीन्स ये जो पैसा है, ये जो मनी है, ये इंडियन करेंसी में है, राइट। सो हियर 0 ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डॉट शो दैट दैट इज नाउ रुपी। सो ये जो 0 है ये क्या बता रहा है कि हमारे पास रुपी है ही नहीं, ओनली 85 पैसा ही है। सो वी राइट द नंबर ऑफ पैसा एज अ 2-डिजिट न्यूमरल, दस वी राइट 8 पैसा एज 08 पैसा, 9 पैसा एज 09 पैसा एंड सो ऑन। सो अगर जो पैसा है ना उसे हमें किस में बताना है, 2-डिजिट न्यूमरल में ही बताना है। अब हमारे पास ओनली 9 पैसा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 0.09 पैसा। यहाँ आगे जीरो लग गया और यहाँ पे रुपी का सिंबल लग गया, सो दिस इज कॉल्ड 0.09 पैसा। इसे हम क्या पढ़ेंगे, 9 पैसा। ओके, नोट, क्या नोट है हमारे पास, कॉइन्स ऑफ 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 20,
5 पैसा एंड 50 पैसा आर नॉट इन यूज. ये जो सारे कॉइन्स है, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो सारे जो पैसे के जो कॉइन्स है वो अब यूज में नहीं लिए जाते हैं. ओके, नाउ हियर वी हैव एन एक्सरसाइज 5.1. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ मनी इन वर्ड्स. नीचे कुछ हमको मनी दी गई है, सो हमको इनको वर्ड्स में लिखना है. तो फर्स्ट हमारे लिए किया गया है रुपीज 8.36, सो 8 रुपीज एंड 36 पैसे. सो नेक्स्ट वन इज रुपीज 18.05. सो हम इसको कैसे लिखेंगे, 18 क्या लिखेंगे, 1818 होता है, तो 18 रुपीज. 18 क्या है, रुपीज है, पहले रुपीज आते हैं एंड पॉइंट है, तो हमने इसको सेपरेट किया एंड के साथ 05, दैट मीन्स 5 पैसे. ओके, नेक्स्ट सी रुपीज 69.50. ओके, सो 69 क्या है, रुपी है, सो यहां पे रुपीज एंड 50 पैसे. ओके, नाउ डी, ये डी जो है वो आपको खुद करना है, आप सेल्फ करेंगे इसे. ओके, सो एक बार मैं बता देती हूँ, हम इसको लिखेंगे 62 रुपीज एंड 35 पैसा. ओके, ये आपको खुद से करना होगा. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ मनी इन फिगर्स. हमें यहाँ कुछ मनी के अमाउंट, इसको किस में वर्ड्स में दे रखे हैं, इनको हमको फिगर में लिखना है. ओके, सो फर्स्ट इज 50, तो 50 क्या है, रुपीज है, तो इस साइड ही आएगा, तो 50 के बाद हम यहाँ क्या लगा देंगे, पॉइंट एंड 30 पैसा, तो 30 और यहाँ पे आगे सिंबल आ जाएगा इंडियन करेंसी का. ओके, नेक्स्ट 69 रुपीज, सो सिंबल 69 रुपीज एंड 50 पैसा, तो 50. ओके, नेक्स्ट सी है 48 रुपीज, सो सिंबल ऑफ इंडियन करेंसी एंड 48 रुपीज एंड 55 पैसा, तो 55 पैसा. एंड नंबर 4 डी, 30 रुपीज एंड 43 पैसा, ये आपको सेल्फ करना है. गॉट इट. नंबर 3, कंप्लीट द ब्लैंक्स. हमें ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है. अब कैसे कंप्लीट करना है, लेट्स सी. देयर आर ब्लैंक 10 पैसा इन रुपीज 10. अब हमको ये बताना है कि 10 रुपीज में कितने 10 पैसा होते हैं. जस्ट लाइक हमने पढ़ा था कि 100 पैसा इन 1 रुपी, राइट, 100 पैसा होता है 1 रुपी में. तो ये पूछ रहा है कि 10 रुपीज में कितने पैसे होंगे. सो लेट्स सी, 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपीज, सो जो 10 रुपीज होते हैं, तो 10 रुपीज में कितने पैसे होंगे, 1000. सो यहाँ पे हमको 10 दिया हुआ है, 10 पैसा, तो कितने 10 हो गए, तो 10 क्लीन कर देते, तो यहाँ पे 110 पैसा इन 10 रुपीज, राइट. नेक्स्ट नंबर बी, देयर आर ब्लैंक रुपीज 10 इन रुपीज 200. ये पूछ रहा है कि 200 में कितने 10 रुपीज होते हैं, तो 10, 1, 2, 3, 4 ऐसे करना है ना. तो 100 में 10 होते हैं, तो 200 में कितने हो जाएंगे, 20. सो 20 रुपीज ऑफ 10 इन 200. 200 में कितने 10 होते हैं, 20 टेन्स होते हैं, राइट. नेक्स्ट सी, देर आर ब्लैंक 25 पैसा इन रुपीज 4. 4 रुपीज में कितने 25 पैसा होते हैं. ओके, सो हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, लेट्स सी. सो 50 + 50 इज इक्वल टू 1, राइट. 50 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी, राइट. अब हमको यहाँ 25 करना है, तो 25 + 25 + 25 + 25 इज इक्वल टू 1, राइट. सो अब 1 1
1, 1, 4 rupee. So 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, and 1, 2, 3, 4. Now let's count. 1, 2, 3, 4, 4 plus 4, 8, 8 plus 4, 12, and 12 plus 4 is 16. So 16.25 paisa in 4 rupees. Okay. Next, D. There are blank rupees 5 in 60 rupees. ये बोल रहा है 60 rupees के अंदर कितने 5 rupees होते हैं. So, वही चीज जो हमने अभी करी थी. So, 5, 5, 10, 5, 5, 5, 5. Let's count. 10, 20, 30, 40, 50, and now here is 60. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 12, 5 rupees is equal to 60 rupees. Okay, let's go to the next. So here we have a note here. Let's read this note. We always write rupees symbol जो ये है before the number as rupee 10 and paisa after the numbers. For example 10 paisa. अब हमें हमेशा जो रुपी का सिंबल है ये लगाना चाहिए और पैसे का सिंबल हमेशा कहाँ था है बाद में आता है ये बात ये पूर्ण राय नोट. लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 4. एट द गिवन नोट्स एंड कॉइन ईच रो एंड राइट योर आंसर इन द वर्ड फिगर. सो ये कह रहा है कि जो नीचे जो नोट पैसा दिए गए हैं इन सबको मनी को हमको क्या करना है ऐड करना है. अभी हमने थोड़ी देर पहले ऐड किया था ना वैसे ही ऐड करना. सो दिस इज द 100 rupee note प्लस 50 rupee note प्लस 20 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 5. सो लेट्स ऐड 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 2 8, 8 वंस हो गया. देन वंस पे यहाँ पे सब में जीरो है. टेंस में 5 4 2 7 and 0 7 and here is 1. सो 178 rupees यहाँ पे हो जाते हैं रुपीज 178. नेक्स्ट 50 plus 10 60 60 plus 5 65 65 plus 5 70 70 plus 2 is equal to 72. So rupees 72. Next 100 plus 20 is 120 120 plus 5 125 plus 1 126. Rupees 126. Next 500 plus 100 is equal to 600. 600 plus 50, 650, 650 plus 1, 651. Okay, so here we complete our exercise 5.1. So here this part is completed. So we are continue the same chapter in our next part and complete all the exercise of this chapter. So fill your worksheet with help of this video. Thank you.